नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 23 जुलाई के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:33 से लेकर 12:57 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है दोपहर तीन बजे से लेकर 4:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन मीन राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा मंगल और गुरु के साथ नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है और शनि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के साथ आपके अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है, वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। खास करके आपके जो घर के जो भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस थे किसी व्यक्ति के साथ या सदस्य के साथ, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। घर में एक हार्मनी आपको दिखाई देगी। उसी प्रकार जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे आपको अच्छी सलाह भी मिलेगी। तो दिन वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। हालांकि आज के दिन में आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी कुछ सलाह मिल सकती है और आज का आपका जो मूड होगा वो भी नॉर्मल देखा हुआ नज़र आएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आपके तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा नवपंचमी यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। मतलब जो भी काम आपके रुके हुए वो आज आप पूरा करोगे। अच्छी तरीके का जो कॉन्फिडेंस, जिसे ऊर्जा जो बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो भी आपके रुके हुए लाभ के बारे में, जो जैसे कि आपने कल भी अनुभव किया कि जो भी आपके लाभ थे वो अच्छी तरह से आपको मिल गए थे, आज का दिन उसी तरह से आगे आपको पूरा ही होगा कि जो भी रुके हुए काम है पूरे होते हुए नज़र आएंगे। आपको अच्छी तरीके से लाभ भी मिलेगा। आज का जो आपका ऊर्जा का स्तर होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक साझेदार होंगे उनसे भी आज आपको अच्छी मदद मिल सकती है। अगर आप किसी के प्रेम में हो तो उनसे भी आज आपको अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छी सलाह भी मिल सकती है। तो दिन बहुत ही अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ ये चंद्रमा और आपके षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा और शुभ दिन है आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड लाभ, जिसे हम बोलते हैं, वो आज के दिन आपको मिल सकते हैं, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो मिथुन राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही, उनको भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा साबित होगा। अच्छी जॉब वगैरह, काफ़ी अच्छी जॉब मिलने की चांसेस है। अगर आप कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए, तो भी आज के दिन अगर आप करते हो तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा और आपके पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है आपके लिए। लकी डे आप इसे कह सकते हो सभी मामलों में, मतलब फाइनेंशियल लेवल पर भी और आपके जो पर्सनल लेवल पर भी। जो आज का जो दिन है काफ़ी अच्छा, जो भी प्रॉब्लम आपके हैं वो सब संपूर्णतः पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। जो भी आप काम आज आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, इसमें कहीं पर भी अड़चन नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिन वैसे काफ़ी अच्छा है। आज के दिन आपको प्रत्यक्ष लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी आपके रुके हुए काम है उसमें से कुछ अच्छी बातें आपको सामने आ सकते हैं। जो भी आपने काम किए थे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके मन में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि पिछले करीबन 15-20 दिनों से आपका जो कालावधि है इतना अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से काम होते होते आपके रुक रहे हैं, लेकिन आज का दिन उसके लिए अपवाद है, आपको कुछ अच्छी खबर ज़रूर मिल सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके लाभ भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ भी ये चंद्रमा नवपंचमी योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है।
तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। आपके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनसे आज आपको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है, कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। प्रत्यक्ष लाभ जिसे बोलते हैं इसके लिए काफ़ी अच्छा दिन है। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे भी आज आपको अच्छी मदद मिल सकती है। जो भी रुके हुए काम है वो आपके पूरे होते नजर आएंगे। तो लकी डे है आपके लिए। जहाँ पर अगर आप सफ़र करते हो तो सफ़र जिस उद्देश्य से कर रहे हो वो भी सफल होते हुए नज़र आएगा। तो दिन बहुत ही अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आपके दशम भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा नव पंचमी गण के त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ भी चंद्रमा नव पंचमी योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में से शनि के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, यहाँ वहाँ पर आपके काम की एप्रिसिएशन हो जाएगी। अगर आप काम जो करंट जॉब का काम चालू है वो छोड़कर अगर आप दूसरा काम या फिर नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये जो समय है, आज का जो दिन है, काफ़ी अच्छा है। कुछ अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है। अगर आप व्यवसाय करते हो तो वहाँ पर भी आपका जो व्यवसाय है, आपका जो उद्योग है वो किस तरह से बढ़ाया जाए उसके बारे में कुछ नई संकल्पना आपके मन में आ सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पैसों के मामले में, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी देखा जाए तो आज का आपका जो दिन है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ और आपके राशि में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा नव पंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा दिन है, पूरी जोश खरोश से आज जो भी आपको काम करने हैं उसके पीछे लग जाए, वो काम आपके होने वाले हैं। लक फैक्टर जैसे हम बोलते हैं वो आज आपको उसका अनुभव आज आपको आ जाएगा कि सभी काम आज के दिन आपके पूरे होते नज़र आएंगे। जो व्यक्ति शेयर मार्केट से डील करते हैं उनके लिए भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ और आपके अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा नव पंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आज आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड लाभ मिल सकते हैं, तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो ससुराल के लोग होंगे उनसे भी आज आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है, जिसकी वजह से पैसों की जो भी बात है, प्रॉब्लम है, उससे थोड़ी निजात आप पा सकते हो। तो दिन आपका वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। आज के दिन थोड़ा आराम भी करना पसंद करोगे और आज आपको लाभ भी मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा दिन है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा और आपके लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ चंद्रमा नव पंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है। लाभ के बारे में, प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं, वो आपको आज आपको अच्छी तरह से मिल सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल के जो आपके आयु से थोड़े बड़े हैं उनसे आज आपको अच्छी सलाह मिल सकती है, आगे जाके वो उपयोग में भी आप ला सकते हो। आपके जो घर के जो लोग होंगे या फिर आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे या फिर आप जिनके प्रेम में, उनके साथ भी आज आपके हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो दिन काफ़ी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके षष्ठ भाव में स्थित मंगल के साथ और आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा नव पंचमी गण के त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो आज आप जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ पर के जो बुजुर्ग लोग होंगे उनसे आपके काम की एप्रिसिएशन हो सकती है या फिर उनको आपको उनसे कुछ अच्छी सलाह भी मिल सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर का जो पूर्णतः परिस्थिति होगी वो जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। पिछले कई दिनों से आपके लिए जो कालावधि वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। अगर आप किसी नए जॉब में ट्राई करना चाहते हो तो भी आज का जो दिन है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज आप कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो या फिर आपकी जो फैमिली है उनके ऊपर भी आज कुछ खर्चे आपके हो सकते हैं। उसी तरह अगर आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे भी आज आपके हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ और आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा आप ही के राशि का जो चंद्रमा है यह नव पंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित शनि के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। अगर कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए और बहुत ही अच्छा एक्टिवनेस, जो कॉन्फिडेंस लेवल जैसे हम बोलते हैं, जो कि आपकी राशि में थोड़ी कम दिखाई देती है लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। जो व्यक्ति विद्यार्थी वर्ग है या फिर नया कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, नया कुछ शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 23 जुलाई के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो,
इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिस वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।